गुड मॉर्निंग। सिनेमा हुई थी आई तो लाने आए तो अमन। सो हे गाइस, क्या हाल? होप सो बढ़िया और हम भी मस्त है। तो एक बार फिर से हम तीन जन निकल करे हेलो गाइस कैंपिंग के लिए। तो कैंपिंग के लिए हमने जब और तो जो इससे पहले वाली वीडियो था, दो जने थे। इस बंदे ने हमें बहुत गोली दी चुरन दिया थोड़ा थोड़ा करके कि आ रहा हूँ। उस टाइम हम ऊपर ही थे। तो खैर, आज फंस गया ये हमारे साथ। तो चलो अब चलते हैं। तो अभी ना काफ़ी देर से हम चल ही रहे हैं और आगे वाले बंदे के बैग में ना पानी रखा हुआ है, तो वो ना गिर रहा है। उसकी पैंट पूरी गीली हो गई। अभी काफ़ी दूर आ गया। ऊपर का मौसम देखो, आज रात को बारिश होगी क्योंकि दिन में हुई थी, रात में भी हो सकती है, लेकिन अपने को कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ है। दोस्तों अभी हम चल ही रहे थे और बारिश आ गई एकदम से। तो अभी टारगेट तो हमारा वो सामने है, वो देखो वहाँ पे है गुणा भाई, थक चुके हैं। गुणा भाई पीछे रह गए और हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो पहले जगह देखते हैं थोड़ा ठहरने की, फिर अगर समय होगा हमारे पास तो हम चलेंगे आगे, नहीं तो हम बीच में कहीं कैंप लगाएंगे। आज मैंने कहा था ना बारिश होगी होगी, लेकिन ऐसा नहीं पता था कि एकदम से होगी। कोई दिक्कत नहीं, तो अभी चलते हम थोड़ी जल्दबाजी में। मोटी मोटी बूंदें गिरने लग गई। गाइस बारिश लग रही। तो अभी देखो यहाँ पे एकदम ऊपर काले बादल हैं और वो सामने धूप आ रही है उस साइड। बहुत खतरनाक जंगल टपने पड़ते हैं भाई साहब कैंपिंग के लिए, खतरनाक। बहुत तेज होने लग गया बारिश, फटाफट से निकलते हैं यहाँ से। बस ये चढ़ाई अब जाए ना, एकदम से तेज होने लग गए वो भाई साहब, तेज ओले ना गिरे, ओले गिरने लग गए। देखो भाई साहब ओले गिरने लग गए अब धुलाई। तो बातचीत अभी ऐसे हो रखी है कि हम पूरा जो एक बार हमने ना यहाँ पे कैंपिंग करी थी यहाँ पहुँच गए, और इस साइड ना बारिश ना बहुत हल्की हो रही है, ज्यादातर वायर सुसाइड हो रही है। और गुणा भाई अभी आए नहीं, हमारे साथ एक और बंदा था वो आया नहीं अभी, लेकिन यहाँ बारिश कमी हल्की फल्की, अब तेज थोड़ा थोड़ा तेज और तेज थोड़ा और तेज होगी, खतरनाक सीन। अगर मैं यहाँ का सीन दिखाता हूँ, ये देखो घास फुल्ली फ्लैट। तो ये देखो भाई साहब ओले गिर रहे हैं, देख रहे हो क्या बताएं ब्रदर। और ये प्लान हमारा आगे जाने का था, लेकिन बारिश की वजह से नहीं जा पा रहे, तो यहीं पे कैंप लगा दे फुर्ती में।
छत लगा दी ऊपर से ताकि अंदर पानी ना घुसे। और आप चल रहे लकड़ी लेना है, क्योंकि भाई लकड़ी मेन है, और लकड़ी ना हुई ना तो आग कैसे लगे, खाना कैसे पकेगा। तो अभी भाई सबसे पहले लकड़ी इकट्ठा करने जा रहे हैं, दो दोनों तो आगे चले गए, तो मैं भी चलता हूँ। है नी, ये देखो एक लकड़ी यहीं पे मिल गई, लेकिन टूट नहीं रही, बहुत खतरनाक लकड़ियाँ हैं यार। बहुत पिछली बार जब हम आए थे ना तो लकड़ी मिल गई थी, लेकिन सारी जला दी, बाद में पता ही नहीं चला। और अब ये इन्हें उठाएंगे, इनसे बहुत अच्छी आग जलती है और बहुत जल्दी भी आग जलेगी। तो खैर सबसे पहले अभी लकड़ी इकट्ठी करते हैं, फिर मिल फिर आपसे बातचीत करता हूँ, ठीक है। लकड़ी इकट्ठी कर ली हमने, वो देखो वहाँ पे सारी लकड़ी रखी हुई है। और भाई साहब हमने शुक्र है यहाँ पे कैंप लगवा दिया, और सीन खतरनाक हो रहा है ना, मज़ा आ रहा है, मस्त मज़ा आ रहा है। तो अभी तो खैर अभी आग जलानी है, अभी तो हम अंदर बैठे हुए, थोड़ा बारिश थोड़ा शांत हो जाए उसके बाद बाहर की कार्यवाही करेंगे हम। तो अभी क्या हुआ कि आग जलाने में बहुत दिक्कत आ रही थी, लेकिन फिर भी जला दी। तो अभी वहाँ पे चिकन बन रहा है, चिकन थोड़ा पोस्टमार्टम हो रहा है वहाँ पे, और एक साइड में आलू बल्कि प्याज टमाटर कट रहे हैं, और लाइट और कैंप को बरसात से एकदम पैक कर दिया ताकि बारिश भी हो तो जल जाए। तो एक साइड हमारे चावल पक रहे हैं और एक साइड प्याज टमाटर कट रखे हैं, और वहाँ पे चिकन भी रेडी हो रखा है। उसे चिकन को हमने थोड़ा भूना, तो चिकन को आग में रोस्ट किया, फिर अब उसे फ्राई करेंगे, फिर ग्रेवी टाइप में बनाएंगे। तो पल पल के तो ये टमाटर भी डाल दिए, और टमाटर भी तो ये चिकन भी आ गया इसमें, जो कि पहले से रोस्ट कर रखा था, मस्त मज़े में। ये देखो खतरनाक सीन, चावल तो रेडी हो गए, ये देखो यहाँ पे अलग से रखे हुए हैं, और अब चिकन रेडी करना है। तो ये बन गया चिकन, और मैं बोल नमक ठीक लगा, इनको नमक कम रख रहा है ये, इस बार को देखो भाई साहब पतले में बैठ रहा। चलो मिलते हैं खाना खाने के बाद। तो खाना पीना खा के एकदम सेट हो गए, अब बाहर में बैठ रखे हैं सारे के सारे आगे सपोर्ट में, और ऊपर आसमान एकदम साफ हो गया, और एक लाइट हमने वहाँ रख रखी है, और एक यहाँ पे, और एक भी डिम, दूसरी भी डिम हो गई। तो एक है हमारे पास सपोर्ट में, पावर बैंक भी है, तो अभी सही चल रहा है माहौल, माहौल उठा देंगे। अब हम कैंप के अंदर आकर पैक हो गए हम इसके अंदर, और अभी सोने की तैयारी है, अभी ट्रेन टू बुसान देखी जा रही है, हॉरर मूवी ज़ॉम्बी वाली, तो इसे देख के फिर सोएंगे हम, ठीक है। गुड मॉर्निंग, क्या हाल, और आज की नींद भी बहुत अच्छी आ रही। हाँ जी, ठंड होने लगी नहीं, बहुत मज़ा आ गया, बहुत मज़ा। तो अभी गुणा भाई ने सुबह सुबह चाय ला दी बिस्तर भाई। हेलो, तो हेलो यार, आज रात में ना जब हम आए थे बारिश हुई, फिर रुक गई थी, फिर रात में खाना वाना खाया, फिर जब अंदर आ गए थे, फिर जब 2-3 बजे करीब फिर बारिश हुई, तो बारिश हुई पता लग जाता है यार बाहर में आग वाग एकदम बुझ रहा है, नहीं तो अंगार रहता है।
तो खैर थोड़ी देर में मिलते हैं चाय वाय। तो बाहर आ गए और सीन एकदम मस्त हो रखा है, खतरनाक, क्योंकि कल रात बारिश हुई और देखो हर जगह मौसम और सीन एकदम तगड़ा दिख रहा है नहीं। और आग भी जल चुकी है यहाँ पे मस्त ढंग से। थोड़ा ये जो बारिश हुई ना तो इसे सूख उग जाएगा, देखो पानी गिर रहा ना इसमें, तो इस वजह जब यह सूख जाएगा तब निकलेंगे यहाँ से घर। ये बैग वगैरह सारे गीले हो रखे हैं क्योंकि रास्ते में लग गई थी यहाँ नीचे की टाइप, जब नीचे आ रहे थे ना उसी टाइम बारिश स्टार्ट हो गई थी। कल तो ओले भी पड़ रहे थे बारीक बारीक से, जल्दी जल्दी हमने वैसे ना वहाँ जाना था, वो पेड़ दिख रहा आपको उससे थोड़ा आगे, लेकिन बारिश इतनी तेज हो गई यहीं पे कि यहीं पे लगाना पड़ा हमें। तो शुक्र है यहाँ पे जगह थी लगाने की। तो गाइस पैकिंग वैकिंग सब हो गई है अपनी एकदम रेडी, तो अब निकलते हैं हम, यहाँ से और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है? तो अभी के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।